न्यूज क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता को समर्थन दीजिए। इस लिंक पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबरशिप को ग्रहण कीजिए। आपके सामने तीन विकल्प हैं। नमस्कार, आप न्यूज चक्र देख रहे हैं। मैं अभिसार शर्मा और एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमारी सदस्यता ग्रहण करके आप न्यूज क्लिक के हाथ मजबूत कर रहे हैं, ताकि इसी तरह से मैं अपने दोनों कार्यक्रमों के जरिए आपके मुद्दे उठाते रहूं। और आज हम आपको बताने आए हैं दोस्तों कि खेल के नाम पर मोदी सरकार किस तरह का नाटक करती है, किस तरह का प्रपंच, किस तरह का ड्रामा करती है। जैसे कि आप जानते हैं कि ओलंपिक खेल जो हैं कल ही खत्म हुए, रविवार को खत्म हुए, मगर खेलों के नाम पर यह सरकार क्रेडिट तो लेती है, श्रेय तो लेती है, मगर काम नहीं करना चाहती। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, मगर उससे पहले दो बड़ी खबरें आपके स्क्रीन पर एक एक करके आ रही हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको भारत समाचार की खबर बताना चाहता हूं। खबर पढ़ूंगा फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर, शहीद की वीरांगना को पुलिस ने पहुंचाया थाने, पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए थे कौशल, शहीद की पत्नी बेटे को पुलिस ने पहुंचाया थाने, शहीद की पत्नी मुख्यमंत्री से मिलना चाहती थी, घोषणाओं को पूरा न करने को लेकर पहुंची थी पत्नी, भाजपा कार्यक्रम स्थल के पास से पुलिस ने रोका, मुख्यमंत्री से मिलने का वक्त मांग रहा था परिवार। तो खबर देखी आपने दोस्तों, शहीद का परिवार, वो पुलवामा जिसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने बेशर्मी से जनता के सामने वोट मांगे थे। अगर आप भूल गए हो तो आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था पुलवामा के नाम पे, पुलवामा की शहादत के नाम पे, वो भी चुनावों में। सुनिए, मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? आज एक शहीद का परिवार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मिलने का प्रयास करता है और उसे पुलिस थाने ले जाती है। इस तरह से ये लोग सम्मानित करते हैं हमारे शहीदों का। ये मेरे शब्द नहीं है, भारत समाचार वहां का जाना माना जो न्यूज चैनल है जिस पर आपने हाल ही के दिनों में इनकम टैक्स की रेड मारी थी, ये उनकी खबर है। तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपको किसने हक दिया है राष्ट्रवाद, देशभक्ति, इन तमाम मुद्दों पर वोट मांगने का, जब आप शहीदों के परिवारों का सम्मान ही नहीं कर सकते? ये उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है जहां पर आज से 7 महीने बाद चुनाव है। जवाब दीजिए, इस बात का क्या जवाब है आपके पास? भारत समाचार की इस खबर का क्या जवाब है आपके पास? दोस्तों, इससे पहले कि आगे मैं आपको बताऊं कि खेल के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सरकार किस तरह का ड्रामा करती है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं एक और खबर। जैसे कि आप जानते हैं कल जंतर मंतर के अंदर अश्विनी उपाध्याय, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा एक कार्यकर्ता रहा है, उसने एक आयोजन किया। इस आयोजन में जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, बहुत ही जहरीले नारे लगाए गए, समाज के अंदर शांति को भंग करने की चुनौती दी गई। मानो दिल्ली के दंगों से पहले जिस तरह का माहौल था उसी तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया गया। मुसलमानों के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। अब पुलिस ने क्या एक्शन लिया, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। FIR registered against unknown persons after a video emerged showing inflammatory slogans being raised at Jantar Mantar during a march for colonial laws and make uniform laws yesterday, Delhi police sources. अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR। मान्यवर अश्विनी उपाध्याय नाम के भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार ने खुली चुनौती दी थी कि मैं ये आयोजन कर रहा हूं, और उसी आयोजन के अंदर इस तरह के भड़काऊ बयान दिए गए जिसमें समाज के अंदर जहर पैदा करने की चुनौती दी गई, और आप FIR दर्ज कर रहे हैं अज्ञात लोगों के खिलाफ। आपने देश की जनता को क्या समझ रखा है भाई, क्या समझ रखा है आपने? इसलिए दोस्तों मैं आज एक बड़ा दावा करना चाहता हूं। मुझे लगता है ये जो आयोजन हुआ जिसमें जहर
एक तरह से मानो बोया गया समाज के अंदर, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन है, दिल्ली पुलिस का पूरा समर्थन है, बीजेपी सरकार का पूरा समर्थन है। वरना आपने पहली बात तो जब ये लोग ये नारे लगा रहे थे, आपने उसी वक्त उन पर लगाम लगाना चाहिए था। और ये अज्ञात लोग क्या होता है दोस्तों, आज तक जेएनयू के अंदर जिन लोगों ने हमला किया था, इन लोगों ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। आपको याद होगा हाल ही में संसद में यह बयान दिया था मोदी सरकार ने, सेंटर ने पार्लियामेंट को बताया कि अब तक हमने जेएनयू वायलेंस में कोई गिरफ्तारियां नहीं की। साफ तौर पर कई लोगों की पहचान जेएनयू में जो हिंसा हुई थी उसमें हो चुकी थी। कई लोग जेएनयू के बाहर खड़े होकर गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, चुनौती दे रहे थे हिंसा करने की। कुछ लोग अंदर घुस गए थे, उनकी भी पहचान हो गई है, मगर आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसी तरह से जंतर मंतर पर जो लोग हिंसा की चुनौती दे रहे थे, जो लोग दिल्ली दंगे की नींव रख रहे थे, इस पर ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करने वाले। कितने शर्म की बात है। और अब दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि खेल के नाम पर मोदी सरकार क्या मजाक करती है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा, आपके स्क्रीन पर यह खबर देखिए, पिछले आम बजट में इन्होंने खेल के बजट को 230 करोड़ रुपए कम कर दिया था। और फिर हमारे जब खिलाड़ी जो हैं वो जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं तो इसका क्रेडिट लेने, इसका श्रेय लेने का ये लोग प्रयास करते हैं। हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीतती है उसका क्रेडिट लेने का प्रयास करते हैं, जबकि आप जानते हैं कि ये शख्स नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उड़ीसा ने करीब 2024 तक ये लोग हमारी हॉकी टीम का को स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये लोग हमारी हॉकी टीम पर 150 करोड़ रुपए खर्च रहे हैं। अगर किसी राजनेता को इसका क्रेडिट जाता है तो नवीन पटनायक को जाता है, उड़ीसा सरकार को जाता है। और आप लोग क्रेडिट लेने का प्रयास करते हैं, आप लोग हर जगह अपनी शक्ल दिखाने का प्रयास करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, आपको याद है सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला हो रहा था और फिर सेमीफाइनल हार गया भारत, वरना वो फाइनल्स पहुंच जाता। जब सेमीफाइनल चल रहा था तो उसके बीचों बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया कि मैं ये हॉकी मैच देख रहा हूं। उसके बाद भारत हार गया। फिर ट्विटर के अंदर एक बहुत ही वाहियात ट्रेंड चला था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती बताया गया था। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इस तरह की शब्दावली का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर क्या हुआ दोस्तों कि हम सेमीफाइनल हार गए मगर फिर हम ब्रॉन्ज मेडल जीते। और उसके तुरंत बाद क्या होता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया जाता है। आपके स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संबित पात्रा का यह ट्वीट देखिए, थैंक यू मोदी जी द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मगर अगर आप उस मेडल को देखें दोस्तों, यहां पर वो मेडल दरअसल परमवीर चक्र है, वो खेल रत्न मेडल नहीं है, परमवीर चक्र है। यानी कि यहां पर भी झूठ का भ्रमित करने वाली तस्वीरों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कॉमेडियन से मुख्य प्रवक्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से ये लोग चीजों में कूदने का प्रयास करते हैं और इसमें साथ कोई और नहीं, इनका पालतू मीडिया भी देता है। जी न्यूज देखिए साहब किस तरह का कार्यक्रम चला रहा है, नीरज की जीत पर ट्विटर गैंग खामोश क्यों, पॉलिटिक्स ऑन प्राइड। यही नहीं, इन्होंने कांग्रेस को भी टारगेट किया था कि कांग्रेस जो है वो नीरज चोपड़ा की जीत पर नाखुश क्यों है। आप मुझे एक बयान बता दीजिए दोस्तों, कौन सा भारतीय नीरज चोपड़ा की जीत पर नाखुश होगा। इस तरह से गलत बयानी करना, इस तरह से झूठ का प्रचार प्रसार करना, मैं समझना चाहता हूं मोदी सरकार से, मैं समझना चाहता हूं बीजेपी सरकार से कि क्या आप लोग राजनीति के नाम पर सिर्फ प्रपंच, सिर्फ ढोंग, सिर्फ प्रचार ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या यह सवाल आपसे पूछा जाना चाहिए या नहीं पूछा जाना चाहिए? मैं आपको हकीकत बताता हूं दोस्तों, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आने वाली है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, आज से कुछ सालों की पहली बात है, इन्होंने एक बहुत ही विवादास्पद बयान दिया था
हमारे खेल खिलाड़ियों को जीत के बाद जो इनाम मिलता है, जो इनाम की राशि मिलती है, उसमें इन्होंने खेल कर दिया था। इस पर आज से कुछ दिनों पहले बजरंग पुनिया, हमारे स्टार खिलाड़ी, 25 जून 2019 का इनका बयान देखिए। देख, खिलाड़ी जब देश के लिए मेडल लाता है वो देश की जीत होती है। ये एक दिन की मेहनत से नहीं पूरे जीवन की तपस्या से प्राप्त होती है। खिलाड़ियों को मिलने वाली राशि में कटौती करके उनकी मानसिकता और आत्मसम्मान पर ठेस न पहुंचाएं। मेरी सरकार से विनती है कि इस निर्णय पर फिर से विचार करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा सरकार ने 2019 में हमारे खिलाड़ियों को जो राशि मिल रही थी उसमें कटौती कर ली, और यह मुद्दा कोई और नहीं बजरंग पुनिया उठा रहे हैं। और यही नहीं, उनको साथ मिला किसी और का नहीं बल्कि नीरज चोपड़ा का, हमारे गोल्डन बॉय का। नीरज चोपड़ा ने क्या कहा, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है। यह बयान उन्होंने दिया है मनोहर लाल खट्टर को, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। क्या कह रहे हैं मनोहर लाल खट्टर जी, अनिल विज जी, सर जब हम मेडल जीतकर आते हैं तो पूरा देश खुश होता है और आप भी गर्व से कहते हैं कि हमारे हरियाणा के खिलाड़ी हैं। हरियाणा के खिलाड़ियों ने खेल जगत में अपनी अलग से छाप छोड़ी है। दूसरे राज्य भी हरियाणा की मिसाल देते हैं। कृपया करके इस मिसाल को कायम रहने दीजिए। आगे नीरज क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर, और आपने जो खिलाड़ियों को इनाम राशि देने का वादा किया था कृपया उसे पूरा करें, ताकि हम इन चीजों से ध्यान हटाकर अपना पूरा फोकस आने वाले ओलंपिक खेलों पर लगा सकें और अपने देश और राज्य का नाम रोशन कर सकें। यह बयान उन्होंने दिया था 26/6/19। भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार जो है वो इनाम राशि को कम कर रही है, 2019 का यह बयान है। इतना शर्मनाक काम एक राज्य कर रहा था और यह क्रेडिट लेना चाहते हैं हमारे खिलाड़ियों के पदकों के लिए। हॉकी में आपने कुछ नहीं किया, कायदे से हॉकी की टीम को कैप्टन अमरिंदर सिंह को स्पॉन्सर करना चाहिए था, कांग्रेस के पंजाब को, नहीं किया इन्होंने। 150 करोड़, उड़ीसा कोई बहुत धनी राज्य नहीं है, 150 करोड़ लगाए इन्होंने। उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार जो कि पालतू मीडिया को करोड़ों रुपए दान में देती है, वो लोग स्पॉन्सर कर सकते थे हमारी हॉकी टीम को, नहीं किया। मगर आज आपको ड्रामा करना है, आपको क्रेडिट लेना है। और यही नहीं दोस्तों, ये लोग किस तरह का प्रचार करते हैं, मैं आपको 3 वीडियोस की झलक दिखाता हूं। सबसे पहले ये झलक देखिए दोस्तों, आप देखिए बाकायदा किरण रिजिजू इस ट्वीट में देखिए इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी हॉकी टीम से बात कर रहे हैं, इसका पूरा वीडियो बनाया है इन्होंने। देखिए इस वीडियो की एक छोटी सी झलक। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। पूरी टीम को बहुत काम गजब किया है आपने, पूरा देश नाचा है। थैंक यू सर, सर आपकी बहुत दुआएं थी सर हमारे साथ। थैंक यू सर। अब एक वीडियो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी जो महिला हॉकी टीम है जो हार गई, ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीत पाई, उनसे बात कर रहे हैं कि आप रोइए मत। ये वीडियो देखिए आप, यहां पर भी इसका पूरा फिल्मांकन किया गया। यह नहीं कि जो तुमने 230 करोड़ रुपए कम खर्च किए हैं उस पर कुछ पश्चाताप करते, मगर यहां पर भी ड्रामा चल रहा है। देखिए आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। अब देखिए प्रधानमंत्री साक्षात सामने उभर कर आए हैं, यहां पर वो नीरज चोपड़ा से बात कर रहे हैं जो गोल्ड मेडल जीते थे। इसकी भी 30 सेकंड की झलक देखिए। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर, और बहुत बहुत बधाई आपको। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। मैं यह झलक आपको क्यों दिखला रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, मैं आपको इसलिए बतला रहा हूं कि देखिए ये जो सरकार है, ये जो भाजपा हमारी सरकार है, वो सिर्फ हमारे खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन का श्रेय लेना जानते हैं। ये लोग अपनी तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं करना चाहते। अब जबकि जीत गए तो हम इसका क्रेडिट लेंगे। आज ये बता रहे हैं कि भारत 7 मेडल जीता है। अरे आपसे ठीक 10 साल पहले हम लोग 6 मेडल जीते थे, यानी कि 10 साल जब कांग्रेस की सरकार थी उसमें सिर्फ हम 1 मेडल का इजाफा हुआ है। बताइए क्या किया है आपने,
ऐसा क्या चमत्कार किया है? क्या आपने उस तरह का इन्वेस्टमेंट किया जैसा कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया था? चलिए, अब तक नहीं किया मगर आने वाले दिनों में कीजिए। हमारे जो खिलाड़ी हैं आप उनकी तौहीन मत कीजिए, जिस तरह से आज से करीब 2 साल पहले हरियाणा सरकार कर रही थी। मैंने आपको बकायदा प्रमाण बताया, नीरज चोपड़ा जिन्होंने हम गोल्ड मेडल जीता था, वो मुख्यमंत्री खट्टर का कह रहे हैं कि हमारे खिलाड़ियों का ऐसे अपमान मत कीजिए। बजरंग पुनिया वो बता रहे हैं कि हमारे खिलाड़ियों का ऐसा अपमान मत कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इतिहास से भाजपा सबक लेगी और इस तरह से जब हमारे खिलाड़ी जीतते हैं तो आप उसका क्रेडिट लेने की होड़ नहीं मचाएंगे। बात सुनेंगे ना मेरी? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.